हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बुकमार्क का आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो बुकमार्क एक एमएस वर्ड का टूल्स है जो कि आपको इंसर्ट टैब के लिंक्स कैटेगरी में मिलता है। और बुकमार्क का यूज सिंपली ये होता है, जैसे कि पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई बुक होता था या डायरी, तो उसमें आपको एक रिबन मिलता था और उस रिबन की हेल्प से आप पता कर सकते थे कि आप उस डायरी में आपने कहाँ तक नोट डाउन किया है, बुक में आपने कहाँ तक पढ़ा है। बुकमार्क का यूज भी सिंपल उसी तरीके से होता है कि आपने जहाँ तक कोई डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर रखा है तो वहाँ पे आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपने कहाँ तक उस डॉक्यूमेंट को स्टडी किया है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं रैंड कमांड का यूज करूंगा। अगर आपको नहीं पता कि रैंड कमांड क्या होता है और उसका यूज कैसे करते हैं, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि रैंड कमांड क्या होता है। या आप आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डेटा है और इस डेटा को मैंने ये डायरेक्टली तक पढ़ रखा है, जो सेकंड पैराग्राफ है वहां तक मैंने पढ़ लिया है। और मैं चाहता हूं कि मैं बाद में कभी भी उस डेटा को ओपन करूं तो मुझे पता चल जाए कि मैंने कहां तक पढ़ाई कर रखा है। सबसे पहले इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद बुकमार्क पे क्लिक करते हैं। बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई नेम दे देना है, तो मैंने एक नेम दे दिया। उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है और ऐड पे क्लिक करते ही आपका बुकमार्क क्रिएट हो चुका है। अब आप इस डॉक्यूमेंट को क्लोज भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ न्यू वन के नेम से और अब इस डॉक्यूमेंट को मैं क्लोज कर दूंगा। अब चलिए इस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं। फिर से ओपन करने के बाद अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपने इस डॉक्यूमेंट को कहाँ तक पढ़ा था, तो आपको सिंपली इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, बुकमार्क पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फाइनल दिख जाएगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद गो टू पे क्लिक करना है और आप जैसे ही गो टू पे क्लिक करेंगे आप देख रहे होंगे कि जो आपका नेम था जहाँ तक आपने डॉक्यूमेंट्स स्टडी किया था वो हाईलाइट हो चुका है। तो आप बुकमार्क का यूज करके सिंपली पता कर सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स को कहाँ तक स्टडी किया था। और तो बुकमार्क में आप एक नहीं बहुत सारे लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए एक और लिंक को क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली मैं एरिया को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद बुकमार्क पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर कोई एक नेम दे देना है और उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। और जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुकमार्क क्रिएट हो चुका है। और फिर से आप कहीं पर भी कर्सर को क्लिक कर दें और अगर आप चाहते हैं उसे पता करना है तो सिंपली बुकमार्क पे क्लिक करना है, ओके को सेलेक्ट करना है और गो टू पे क्लिक कर देना है। तो आप उस लिंक पे पहुंच जाएंगे जो भी आपने लिंक क्रिएट किया था बुकमार्क की वजह से, आप वहां पे पहुंच सकते हैं। तो बुकमार्क की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स को कहां तक स्टडी किया था और कहां से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को कंटिन्यू करना है। अगर आप एमएस वर्ड का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और टैली से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलेंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको इसे कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।